जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स लीला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर और इसमें छोटी छोटी मुख्य बातें देखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन में जिस चीज का जरूरत पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसका हिंदी होता है सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको हम समझाते हैं ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट के बारे में जिसको हिंदी में आप कहेंगे कोष्टक, ठीक है। तो कोष्टक हम चार पार्ट में आपको दिखाएंगे। एक ऐसे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में जिसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। आपको यहां पे मिलेगा इस तरह से छोटा वाला, इसको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट। और फिर इसके आगे मिलेगा आपको इस तरह से जिसको आप कह सकते हैं मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट। और लास्ट में चौथा आपको मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, इसको हम लोग कहेंगे बिग ब्रैकेट। हिंदी में भी आप देख लीजिए इसको कहा जाएगा बार ब्रैकेट, बार कोष्टक। इसको कहा जाएगा छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। इसको कहा जाएगा मझला। और इसको कहा जाएगा बड़ा। ये बड़ा ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये बार ब्रैकेट। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक नंबर में काम करेंगे इस बार ब्रैकेट का, उसके बाद हम काम करेंगे दो नंबर में स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद तीन नंबर में काम करेंगे मिडिल ब्रैकेट का, और उसके बाद चार नंबर में काम करेंगे बिग ब्रैकेट का, यानी सबसे लास्ट में काम होता है किसका, बिग ब्रैकेट का। तो आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं वो एक्चुअल में होता कैसे है। वो होता है भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास, यही भी जो है भी से बार ब्रैकेट होता है। ये बार ब्रैकेट होता है और यहां पे ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट जिसको आप कोष्टक बोलेंगे। ये ब्रैकेट में तीन तरह का ये आ जाएगा, स्मॉल, मिडिल और बिग। यहां से आएगा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ऑफ का मतलब होता है का। इसको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे मल्टीप्लाई देंगे, का के बदले में क्या देंगे, मल्टीप्लाई। डिवाइड का पता ही है, डी फॉर डिवाइड होता है जिसका सिंबल ऐसे होता है, और एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, जिसका साइन ऐसे होता है, और ए फॉर एडिशन होता है जिसका साइन ऐसे प्लस का होता है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है जिसका साइन ऐसे माइनस की तरफ होता है। जब क्वेश्चन हम बनाने जाएंगे तो सबसे पहले एक नंबर में काम करेंगे किसका, बार ब्रैकेट का, उसके बाद करेंगे फिर स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जो रहेगा उसको आंसर करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद ऐड का, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का। अगर क्वेश्चन में ऊपर वाला में से कोई नहीं रहेगा, जैसे मान के चलिए बार नहीं रहा, ब्रैकेट नहीं रहेगा, तो सीधे ऑफ को खोजेंगे। अगर ऑफ ही नहीं रहा तो सीधे डिवाइड को करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तब ऐड, तब सब्ट्रैक्ट। ये ज्यादा क्लियर होगा, अभी कुछ हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं तब। अब एग्जाम्पल तो देखिए, अभी क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, ऑपरेशन है, माइनस है और डिवाइड है। तो आप देख रहे थे कि अभी हम यहाँ पे बताए थे थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का।
तो अब यहाँ पे हम लोग किसका काम करेंगे, डिवाइड का। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, डिवाइड का काम करेंगे तो उसके पहले इधर वाला जो नंबर है जैसे के तैसे उतार देंगे। यहाँ पे 13 है तो 13 माइनस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 12 भागा। अब देखिए 6 को 3 से भाग देना है तो 3 2 6 दो बार में कट जाएगा। आगे देखिए 13 घटा ये देखिए 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया 13 घटा। अब देखिए ये 10 यहाँ पे हो जाएगा, 10 प्लस में है, इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 में से 10 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम एक और दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें बिग ब्रैकेट भी है, कर्ली भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे किसका, स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट का जब काम करेंगे तो इसके पहले और इसके बाद जो भी जैसे दिया है सेम के सेम वैसे ही उतार देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 माइनस, बड़ा ब्रैकेट है तो लिख दीजिए 4 है तो 4 प्लस, ये मझला ब्रैकेट है लिख दीजिए 16 माइनस। अब हमको क्या करना है, ये स्मॉल ब्रैकेट का काम कर लेना है। स्मॉल ब्रैकेट का काम क्या करना, अगर अंदर में जो साइन आएगा उसके साथ कर देना है काम। यहाँ पे क्या है 12 में से 2 माइनस करना है, घटाना है तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया, इसको सॉल्व कर दिया, मतलब छोटा ब्रैकेट का काम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट का काम हो गया, अब यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट रख देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट बाकी है तो बड़ा ब्रैकेट रहने देंगे। आगे देखते हैं, 19 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस, अब क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट का काम हो गया, अब हम करेंगे मझला ब्रैकेट का, मिडिल ब्रैकेट का, कर्ली ब्रैकेट का। यहाँ पे 16 है, 16 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसको घटा दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो इसका काम हो गया। अब ये मिडिल ब्रैकेट का काम खत्म, अब इधर बच गया केवल स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया 19 माइनस। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या है, दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, इसका काम हो जाएगा, तो इसका काम हो जाएगा, ये कितना हो गया 10। ये दोनों को प्लस कर दिए मतलब इसका काम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 माइनस ये हो जाएगा 10 और 19 में से 10 जाएगा तो कितना हो गया, 9। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है इसका, एकदम ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से आप बनाने लगेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल देखिए, कुछ अलग तरीका से, इसमें कुछ और चीज है। इसमें क्या है, तीनों ब्रैकेट भी है और इधर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो इस तरह से कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ढूंढेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है तो यहाँ पहुंचेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, तब मेरा छोटा ब्रैकेट का काम हो जाएगा। तो आइए उस छोटा ब्रैकेट के पास चलते हैं, उसके पहले इधर वाला जैसे के तैसे उतार देंगे। यहाँ पे 36 है तो क्या हो गया, 36 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस, मिडिल ब्रैकेट लिख दीजिए 14 माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको छोटा ब्रैकेट के अंदर काम करना है, तो छोटा ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवाइड का काम करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई भी है नहीं, सबसे पहले डिवाइड क्या करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई का। यहाँ पे 15 है तो 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है, 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से जब 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 का टेबल पर 2 जब 4 दो बार में कट जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया, 2। अब ये वाला मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ये 2 था तो 2 उतर जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, इस तरीका से आपका हो गया, समझे। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले इस 2 से 4 को डिवाइड कर देना है, उसके बाद ये वाला जैसे के तैसे उतार देना है। ये नहीं कि यहाँ पे 2 को गुना करके तब डिवाइड कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 18 मिडिल ब्रैकेट 14 माइनस। अब क्या करेंगे, डिवाइड का काम हो गया था, अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे। क्या हो गया, 15 घटा 4 जो ब्रैकेट जैसे है वैसे कर दीजिए। आगे देखिए 36 18 14 माइनस। अब हम लोग को यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में देखिए क्या है, 15 और 4 को घटाना है, 15 में से 4 घट जाएगा कितना हो जाएगा, 11 हो गया, काम खत्म हो गया।
स्मॉल ब्रैकेट का काम हो गया, अब मिडिल ब्रैकेट बचा हुआ है। अब मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे, 36 18 माइनस, यहाँ पे देखिए अब इसको घटा दीजिएगा इसका काम हो जाएगा, 14 में से 11 जाएगा 3, हो गया इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, 36 माइनस, यहाँ पे अब क्या कर देंगे, इसको घटा दीजिए इसका भी काम हो जाएगा, 18 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 15, इसका भी काम खत्म। देख रहे हैं ना किस तरीके से हम चल रहे हैं, सबसे पहले उस छोटा कोष के अंदर में जो डिवाइड था उसको किए, फिर मल्टीप्लाई को किए, उसके बाद इसका काम किया तो छोटा कोष कट गया, उसके बाद इसका काम किया तो मझला कोष कट गया, मिडिल ब्रैकेट हट गया, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट आया इसको घटा दिया तो बड़ा ब्रैकेट हट गया। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, 36 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 21, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आप अगला एग्जाम्पल देखिए। तो अब देखिए एक ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें बार ब्रैकेट भी है, स्मॉल भी है, कर्ली भी है, बिग भी है, सारा चीज है। आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ याद दिलवा दे रहे हैं, वी बी ओ डी एम ए एस, सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, बार का, फिर ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, एड का, सब्ट्रैक्ट का। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, लिखे आपको दिखाने के लिए। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार का काम करेंगे। तो बार का काम करने से पहले यहां तक, यहां से लेके यहां तक जैसे के तैसे लिख लेंगे, 27 माइनस 18 16 माइनस 5, यहां तक लिख लिए। अब देखिए यहां 5 है तो 5 भी लिख लीजिएगा। बार का काम करने में एक बात ध्यान रखना है कि इसके आगे जो भी दिया रहेगा इसको ऐसे ढक लेना है, जो भी साइन रहे, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ रहे, इसको यहाँ पे क्या करना है, ढक लेना है। ढक लेने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 और माइनस 1। बार का काम करने के लिए यहाँ पे जो भी दो नंबर रहेगा, दोनों के बीच में जो भी साइन रहेगा उसका काम कर देंगे तो बार का काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 में से 1 घटाना है तो घटा देंगे तो बार का काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता 4 + 1 तो 4 में 1 जोड़ देते तो उसका बार का काम हो जाता। अगर रहता 4 × 1 तो 4 को 1 से गुना कर देते तो बार का काम हो सकता, हो जाता। तो यहाँ पे बार का काम करने के लिए इसके पहले यहाँ तक आना है, इसको ढक लेना है। अब आपको खाली यही दिखा रहे हैं ना, 4 और 1 दिखाई दे रहा है, तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 4 में से 1 घटा दीजिए कितना हो गया 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, और ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट, हो गया बार का काम खत्म। बार का काम करने के लिए इधर वाला साइन से आपको कोई मतलब नहीं, इसको ढक लीजिए। उधर जो दिख रहा है, इसमें ढकने के बाद जो दिख रहा है, जो भी है 4 और 1 के साथ जो भी है वो काम कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, बार का काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 27 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 मिडिल ब्रैकेट 16 घटा, अब स्मॉल ब्रैकेट काम करना है, क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा दीजिए 2, हो गया ये काम हो गया। उसके बाद देखिए 27 बार हो गया, बार के बाद इस ब्रैकेट वाला हटा दिए, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम किसको हटाएंगे, कर्ली ब्रैकेट को, मिडिल ब्रैकेट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। अब देखिए 16 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, हो गया कर्ली ब्रैकेट का भी काम खत्म। अभी क्या हो गया 27 माइनस 18 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और 27 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 23, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था कि बार भी दिया रहेगा तो किस तरीका से काम हम करेंगे। अभी हम हर एक चीज का एक एक छोटा छोटा एग्जांपल लेकर बता रहे हैं जिसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब एक बार ये सारा चीज आप क्लियर कर लीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं अगला पार्ट में, कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं और उसमें कैसे इसका ऑपरेशन करके हम लोग बनाते हैं। अभी ये सारे चीज का हम ऑपरेशन सिखा रहे हैं एकदम बेसिक से, कि कैसे बार रहेगा तो काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा तो कैसे करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई रहेगा तो कैसे काम करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा हुआ है, 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये इसमें देखिए क्या क्या है, डिवाइड है, ऑफ है, प्लस है, मल्टीप्लाई है। हम क्या बोले कि अगर बार नहीं रहेगा तो ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो ऑफ के बारे में सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट वगैरह नहीं है तो सीधे हम कहां आ जाएंगे, ऑफ, ऑफ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ऑफ का मतलब समझेंगे क्या होगा, तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, एड का और सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे।
तो सबसे पहले ऑफ का काम कीजिए। ऑफ का काम करने के लिए, इसका काम करने के लिए इधर वाले को जैसे के तैसे या इधर वाले को जैसे के तैसे उतारना होगा। तो यहां पे लिखेंगे 72/9। अब ये ऑफ किस में चेंज हो जाएगा, तो ऑफ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, प्लस 2/3 इंटू। अच्छा ये देखिए, ये जो है ना मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1 3/2 हो जाएगा। आगे देखिए, हमको ये ऑफ का काम करना था ना, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इसका काम करना है तो इसको काट दीजिए, 3 के टेबल से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 72/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ का काम हो गया, ऑफ के बाद क्या आता है डिवाइड। तो अब हम किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड का काम कीजिए, 72 को 3 से डिवाइड करना है, तो 72 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 24 बार में। अरे नहीं आता है तो इसे डिवाइड कर लीजिए 3 से 3 × 6 कट गया 12 3 × 4 = 12 काट कूट 24 आ गया क्या रिमाइंडर, 24 आ गया कोशियन, 24 हो गया प्लस 2/3 × 3/2। देखिए हम डिवाइड का काम कर लिए, अब किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई यहां है ना, तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। मल्टीप्लाई का काम करने के लिए देखिए, इधर वाले को जैसे के तैसे प्लस। अब मल्टीप्लाई के लिए देखिए, ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा। तो यहां बच क्या गया, यहां भी 1 बच गया, यहां भी 1 बच गया, तो 1 × 1 = 1 हो गया। तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो इसका ये आंसर कितना हो गया, 25 हो गया। ये क्वेश्चन रेलवे 2005 में पूछा हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, इस पे और भी तरह तरह के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इसको आप लोग कॉपी में लिखकर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपका अपना होगा। थैंक यू, जय हिंद।